नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो टीचिंग वेरिएबल्स पर है, यानी कि शिक्षण के दौरान हम जिन जिन वेरिएबल्स का चरों का प्रयोग करते हैं उस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। ये विषय आपका शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है हमारी, जिसके संबंध में अभी तक हमने शिक्षण व्यवहार यानी कि टीचिंग बिहेवियर पढ़े थे, जिसके अंदर ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिफियर, देन उसके बाद हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़े थे जिसमें हमारा मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल था। उसी क्रम में ये आगे का एक सीरीज़ है। तो इसको देखने से पहले, समझने से पहले आपको चाहिए कि आप वो पुराने वाले जो हमारे वीडियोज़ हैं उनको देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए आज का हम टॉपिक ये स्टार्ट करते हैं, वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। देखिए, जब भी हम शिक्षण की बात करते हैं तो हम हमेशा ये जानते हैं कि शिक्षण होता क्या है। शिक्षण के साथ एक और शब्द जुड़ता है, अधिगम। तो शिक्षण करने वाला शिक्षक और अधिगम करने वाला अधिगमकर्ता यानी कि स्टूडेंट, तो दो तो महत्वपूर्ण चर हो ही गए, ठीक। लेकिन शिक्षक क्या पढ़ाएगा और अधिगमकर्ता क्या ग्रहण करेगा, ठीक। तो शिक्षक जो भी विषय वस्तु पढ़ा रहा है और जो अधिगमकर्ता है उस विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर रहा है, तो इस तरह से उनके बीच का जो एक लिंक है या ब्रिज हम कह लेते हैं, जो उनको बांध के रखता है आपस में, वो है क्या, करिकुलम। तो इस तरह से तीन वेरिएबल्स होते हैं टीचिंग के, जो इस प्रकार हैं। देखिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टीचर। देखो, टीचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है क्योंकि जब कक्षा कक्षा में शिक्षक जाता है तो उस पर निर्भर करता है कि वो कौन सा प्रकरण प्रस्तुत करने वाला है, ठीक हो गया। तो इस तरह से वो अपने पाठ योजना के निर्माण के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होता है, वो अपनी स्वेच्छा से अपने विषय के किसी भी प्रकरण को किसी भी रूप में प्रस्तुत कर सकता है। मेथड कौन सा सेलेक्ट करना है, टॉपिक कौन सा सेलेक्ट करना है, किस तरीके से पढ़ाना है, कौन कौन सी गतिविधियाँ करनी है या करवानी है, ये सारी जो स्वतंत्रता है वो शिक्षक के पास होती है, उसके पास ये सारे राइट्स होते हैं, ठीक ना। इस तरह से क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वह होता है जो अपने अनुसार कार्य करता है, जिस पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अपितु यह प्रभाव डालता है बाकी वेरिएबल्स पर। देन है डिपेंडेंट वेरिएबल स्टूडेंट। देखिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से जिस वेरिएबल पर पड़ता है उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, यानी कि स्वतंत्र चर का प्रभाव प्रतंत्र चर पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। कैसे पड़ता है, देखिए, टीचर ने क्लास में अगर कोई भी प्रकरण पढ़ाया, फॉर एग्जांपल शिक्षक ने क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया, ठीक है, तो बच्चा किस विषय का ज्ञान प्राप्त करेगा, ट्रिग्नोमेट्री का। तो इस तरह से अगर शिक्षक ट्रिग्नोमेट्री के स्थान पर क्यूबॉइड पढ़ाता है तो बच्चा किसका ज्ञान प्राप्त करेगा, क्यूबॉइड का। तो जो बच्चा है वो डिपेंडेंट है अपने ज्ञान के लिए शिक्षक पर, ठीक है, तो निर्भर कर रहा है वो, इसलिए जो बच्चा है वो क्या है, पूरी तरह से डिपेंडेंट है, यानी कि परतंत्र चर के रूप में यहाँ पर देखा जा सकता है। तीसरा जो वेरिएबल है वो है इंटरवेनिंग वेरिएबल, यानी कि मध्यस्थ चर, जो इनके बीच में मध्यस्थता करता है। अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि शिक्षक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, मध्यस्थ चर हो जाएगा। शिक्षक क्यूबॉइड पढ़ा रहा है तो क्यूबॉइड क्या है, मध्यस्थ चर हो जाएगा। शिक्षक कोई भी विषय पढ़ाएगा तो जो भी प्रकरण वो प्रस्तुत कर रहा है, जो भी विषय पढ़ा रहा है, वो अपने आप में क्या होगा, एक इंटरवेनिंग वेरिएबल हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से एक टीचिंग वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो तीन तरह के टीचिंग वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड इंटरवेनिंग, ठीक है। आप में से जिनको वेरिएबल्स का ज्ञान है, कई बच्चे आप में से साइंस स्ट्रीम के होंगे या फिर अभी साइकोलॉजी पढ़ते हुए आप लोगों ने ये वेरिएबल्स काफ़ी सुना होता है, तो उस केस में आपको कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। बाकी मैंने प्रयास किया है कि डिटेलिंग करके आपको बता दिया जाए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंटरवेनिंग वेरिएबल किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और इनका जो प्रत्यक्ष अर्थ है वो क्या होता है। तो इस प्रकार से आप अब ये क्लियर हो चुका है कि जब भी हम हमारे सामने कोई प्रश्न आता है वेरिएबल संबंधित, तो हमारे मस्तिष्क में होना चाहिए कि जो भी प्रभाव डाल रहा है वो इंडिपेंडेंट, और जिस पर प्रभाव पड़ रहा है वो डिपेंडेंट, और जो इन दोनों के बीच में मध्यस्थता कर रहा है, विषय वस्तु बन रहा है, वो इंटरवेनिंग वेरिएबल। फंक्शंस ऑफ टीचिंग, शिक्षण के क्या प्रकार हैं, देखिए, क्यों जो हम शिक्षण करते हैं उसका क्या प्रभाव क्या पड़ता है। मेक्स द क्लासरूम मोर सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड। जब भी क्लासरूम में एक प्लान वे में हम टीचिंग करते हैं तो क्लासरूम हमेशा सिस्टमेटिक रहता है और व्यवस्थित रहता है, ठीक है ना।
शिक्षक को पता है उसे क्या पढ़ाना है और बच्चों को ये पता है उन्हें क्या पढ़ना है, तो इस बीच जो भी उनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है क्लासरूम का वो किसी प्रकार से बोर नहीं होता है और जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है वो पूर्ण रूप से सुचारू रहती है। एनालिसिस ऑफ कंटेंट एंड वर्क, जब भी शिक्षण कार्य होता है तो उस कार्य से पहले शिक्षक द्वारा जो कंटेंट पढ़ाया जाने वाला है उसका एनालिसिस किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है और उस विश्लेषण के बाद यह निर्धारित किया जाता है कि किस रूप में इसको प्रस्तुत किया जाएगा कि वह बच्चों की आयु वर्ग और उनकी मानसिक जो आयु है उसके अनुसार सुचारू रूप से कक्षा कक्ष में चल सके। देन है प्रोवाइडिंग नॉलेज अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। तो जो शिक्षण का जो हम ये पढ़ रहे हैं पूरा ना, लेवल्स ऑफ टीचिंग है, आपका व्यवहार है, इसका जो प्रभाव है वो ये पड़ता है कि शिक्षक को बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंस का पता रहता है कि हर क्लास में बहुत बुद्धिमान बच्चे भी होते हैं, बहुत बुद्धू भी होते हैं और एवरेज भी होते हैं, तो उनके अनुसार वो अपना शिक्षण प्रस्तुत कर सकता है। सॉल्विंग द प्रॉब्लम रिलेटेड टू लर्निंग, अधिगम संबंधी जितनी समस्याएं होती हैं उनको वो इस प्रकार का जो अभी तक हमने बिहेवियर पढ़ा है, लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ा है, इसके आधार पर शिक्षक में एक समझ विकसित होती है कि अधिगम के दौरान क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और किस तरीके से उनको दूर किया जा सकता है, तो ये भी एक इसका एक फंक्शन है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंटरिंग बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, तो जो शिक्षक या आप लोग खुद देखिए, जब आप लोग ने बीएड किया तो आपने बहुत सारे मेथोडोलॉजीज वगैरह पढ़ी, तो उसमें आपने ये जाना कि जब कक्षा कक्ष में आप जाते हैं तो बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है उसको हम कैसे आकलन करते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे में पूर्व ज्ञान होता है कक्षा कक्ष में शिक्षण होने से पहले, तो वही क्या है उसका एंटरिंग बिहेवियर है और उसी बिहेवियर को हम फिर रिलेट करते हैं टर्मिनेटिंग बिहेवियर। एक एग्जाम्पल समझिए, आप आज अगर आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है तो क्लास स्टार्ट होने से पहले जो बच्चे का बिहेवियर होगा वो होगा एंटरिंग बिहेवियर, कि उससे पहले जो कुछ बच्चे को आता है वो पहले का हो गया। फिर आपने 40 मिनट की कक्षा आपने ली, उसमें जो भी कुछ आपने पढ़ाया, तो उसके बाद जो बच्चे का बिहेवियर चेंज होगा वो होगा टर्मिनेटिंग बिहेवियर। तो एंटरिंग से टर्मिनेटिंग के बीच की जो प्रक्रिया है वही शिक्षण कहला जाती है। अब यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा आपसे एंशिएंट और मॉडर्न जो टीचिंग है वो किस रूप में थी और क्या उनमें डिफरेंसेज है। देखिए, एंशिएंट टीचिंग जो है वो टीचर सेंटर्ड है, मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को अथॉरिटेरियन टीचिंग में, ठीक है ना। मेन एम इज़ गिविंग टेक्स्ट बुक नॉलेज, और जो अथॉरिटेरियन टीचिंग होती है उसका जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, किताबी ज्ञान प्रस्तुत करना, ठीक है। बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान की तरफ ये नहीं लेके जाती है। टीचर इज़ ओनली एक्टिव इन क्लास, देखिए एंशिएंट की जब हम बात करेंगे तो आपने जो बिहेवियर टीचिंग बिहेवियर्स पढ़े हैं उसमें अथॉरिटेरियन टीचिंग बिहेवियर को आप रिमाइंड कीजिएगा, जो जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सब हमारी एंशिएंट में मिलेंगी, ठीक है। उसमें टीचर एक्टिव था, बच्चे पैसिव थे, ठीक। एनफोर्स ऑन रोट मेमोराइजेशन, मैंने बताया था आप लोगों को कि इस प्रकार का शिक्षण जिसमें सिर्फ शिक्षक ही एक्टिव होता है तो उसमें सिर्फ रटने की विधि को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक। इसी प्रकार से जब केवल शिक्षक बोल रहा है, बच्चा सिर्फ सुन रहा है, बच्चा पैसिव लर्नर है, टीचर ही एक्टिव है कम्प्लीटली, तो जो टीचिंग है वो क्या हो जाएगी, वन वे हो जाएगी, यानी कि सिर्फ शिक्षक बोल रहा है, बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं। लॉजिकल और थ्योरेटिकल है, ये पूरी तरह से क्या है, सैद्धांतिक है, क्योंकि सिद्धांत के आधार पर चलती है ये, है ना। जैसा शिक्षक ने कहा है वैसा बच्चे को मानना पड़ेगा निश्चित रूप से। इट वॉज ओनली ओरल एंड रिटर्न, तो इस प्रकार के शिक्षण में केवल ओरल एंड रिटर्न कार्य किया जाता है, जैसे शिक्षक जो बताएगा बच्चा उसको सुन करके याद करेगा, उसी रूप में सशब्द कह सकते हैं इसको हम, या फिर लिख करके उसको अपने आगे वाले समय के लिए रिवीजन के लिए रखेगा। बट किसी प्रकार का कोई प्रोजेक्ट या फिर हियरिस्टिक मेथड, इस प्रकार की विधियों का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं मॉडर्न में, देखिए यहाँ पर टीचर सेंटर्ड थी टीचिंग एंशिएंट में, मॉडर्न में हो जाती है चाइल्ड सेंटर्ड, ठीक है। देन जो एम है वो क्या है, बुक आर जस्ट अ सोर्स ऑफ अटेनिंग नॉलेज, ठीक है। यहाँ पर तो टेक्स्ट बुक नॉलेज देना ही इसका मुख्य उद्देश्य था, लेकिन अब यहाँ पर जो मॉडर्न है, मॉडर्न में बुक को केवल एक सोर्स माना है नॉलेज का, इसके अलावा बहुत सारे सोर्सेज और होते हैं जिसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। एंशिएंट में टीचर एक्टिव था, यहाँ पर स्टूडेंट टीचर दोनों एक्टिव हैं और आपस में उनमें इंट्रैक्शन हो रहा है, प्रश्न उत्तर के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, बहुत सारे तरीके होते हैं। एनफोर्स ऑन रोट मेमोराइजेशन, यहाँ पर रटने पर ध्यान दिया जा रहा था एंशिएंट में, बट मॉडर्न में क्या है कि बच्चे को स्व अधिगम करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है, कि बच्चा जितना हो सके खुद से अपने ज्ञान का निर्माण कर सके, कंस्ट्रक्ट कर सके नॉलेज को। इधर वन वे डेवलपमेंट था, अभी जबकि क्या बोलते हैं मॉडर्न में क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि जब बच्चा खुद से अपना ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर देगा तो वो हर तरह से कोई भी उसका क्षेत्र हो वहाँ पर कुछ ना कुछ सीखेगा, तो इस प्रकार से उसमें ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा जिसमें नैतिक विकास वगैरह सब आते हैं। ये लॉजिकल
ये साइकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक होती हैं, एंड देन इट इज़ एक्टिविटी सेंटर, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करा करके शिक्षण कार्य किया जाता है। तो इस तरह से हमारा आज ये का टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है, धन्यवाद।